शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लव इज नॉट हार्ट ऑफ लाइफ, इट इज ओनली पार्ट ऑफ लाइफ। आई एम नॉट लेक्चरिंग यू मैन। तेले तो दलते मलना है तो तू मल, हमाली बलाते लेकिन वो हम तो दलाते मार डाले तो उतर त्या। ये सुंदर, ये रुक ले, कूल इट, कूल इट मैन, कूल इट। ये समझा उतो, मेरे पास एक आईडिया है। चुप। संध्या के दिल तक तेरी दिल की बात हम में से कोई पहुंचा नहीं सकता है, और इसके लिए अपने को जरूरत पड़ेगी एक छोकरी की, और ये काम मेरी एक फ्रेंड कर सकती है, नेहा। अरे नेहा, हाय पीटर, कैसा है? ग्रेट। ये चिकना कौन है? ही इज माय बेस्ट फ्रेंड राहुल। इज इट? हाय है ना? वेरी टेंडर। डोंट टीज हिम यार। अच्छा ये बता, तेरी मंजू कैसी है? वो मेरी टू व्हीलर को छोड़ के किसी फोर व्हीलर के साथ भाग गई। क्या बात कर रहा है? इसका मतलब मेरी सारी मेहनत खड्डे में गई। अच्छा मैं दूसरी लड़की सेट करूं? नहीं, वो मैं खुद सेट कर लूंगा। तब तक तू जरा इसका केस टेकअप कर ले। मैं मंजू को दी हुई रिंग लेके आता हूँ, बोले ना। हाँ। पी 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 पी। ए, बोल, तेरी प्रॉब्लम क्या है? बोल। मैं तुम्हारे कॉलेज की एक लड़की से सच्चा प्यार करता हूँ। सच्चा प्यार? डोंट जोक। ये मजाक नहीं है नेहा, मैं तुम्हारी दोस्त संध्या से बहुत प्यार करता हूँ। संध्या से? हाँ, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि संध्या कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो सोचती क्या है। मुझे तो बस यही मालूम है कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। फर्स्ट ईयर से लेकर आज तक पिछले 4 साल से मैंने ना उसके सिवा किसी को चाहा, ना किसी को सोचा, ना किसी को देखा। 4 साल से एक ही लड़की? हाँ, एक ही लड़की, संध्या। अमेजिंग। फीनिक्स का नाम सुना है तुमने? हिंदी में अमर पक्षी कहते हैं। एक छोटी सी चिड़िया जो सूरज से बहुत प्यार करती है, वो पागल सूरज को छूने के लिए उड़ती है, ऊपर, बहुत ऊपर। वो इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाती है कि धूप उसके पंख को जला देती है और वो नीचे धरती पर गिर जाती है, मगर हिम्मत नहीं हारती, घाव भरने और नए पंख निकलने का इंतजार करती है और फिर उड़ जाती है अपने सूरज से मिलने। ऐसा कोई पक्षी होता है क्या? हाँ, एक तो तुम्हारे सामने ही है। प्यार के टेस्ट में तो तुम कंप्लीटली पास हो गए, लेकिन ये कहकर गोल्ड मेडल ही ले लिया। आई प्रॉमिस, तुम दोनों को मिलाने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। इंतजार में खले खले हम लोग साथ साथ नाखून खा गए और तू इधर घर की मुर्गी बन के बैठा है। लेकिन क्या हुआ? रीगल थिएटर में एक सही इंग्लिश एडल्ट पिक्चर लगी यार। क्या पोस्टर है, सारी लड़कियां नंगी नंगी, एक घोड़ा है वो भी नंगा। कैसा आदमी है। अब गल में ही है, गल में ही है। हम तो लगा आप बाल गए होंगे तो हम लोग। नहीं नहीं, हम लोगों को कोई फिल्म देखने का प्रोग्राम नहीं था, और आइडल फिल्म तो रीगल में लगी, वो हम देखते ही नहीं। मैंने तुम सबकी सारी बातें सुन ली है, तुम्हारा सारा प्रोग्राम कैंसल। हाँ हाँ, कैंसल पे बाय। चलो रुको, देखो आज संडे है, आप सब मिलकर मेरे साथ यहां लंच करोगे, उसके बाद हम सब मिलकर वही इंग्लिश पिक्चर जाएंगे। तुम लोग अच्छे लड़के हो, अच्छे घरों के, इंटेलिजेंट भी हो, तो फिर दिल लगा के पढ़ते क्यों नहीं? हम
पढ़ते तो है। हाँ हाँ, पूरा दिन लगा के तो पढ़ते हैं, सवेरे से संध्या तक पढ़ाई तो करते हैं। अरे हम तो टॉयलेट पे आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है, जब देखो टॉयलेट पे बाल खले मिलेंगे बस स्टॉप के पास। आपको नहीं लगता कि हम लोग पढ़ाई करते? तुम लोगों को देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी बात की चिंता ही नहीं है, तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते नहीं हो। डॉक, आदमी को सोचना ही नहीं चाहिए। क्या सोचने से आदमी को दुख होता है और दुख से बचने के लिए वो दारू पीता है और फिर उसको आदत हो जाती है और एक नॉर्मल सा आदमी देवदास हो जाता है। इसीलिए हम लोगों ने सोचना ही बंद कर दिया है। कब तक? जब तक पॉसिबल है तब तक। कब तक पॉसिबल है? जवानी जाने तक या मौत आने तक? एक बात याद रखो, बुढ़ापा आके जाता नहीं और जवानी जाके आती नहीं। जो वक्त तुम्हारे पास है उसकी इज्जत करो, उसकी कदर करो, कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा आने वाला कल आज की वजह से शर्मिंदा ना हो। सपनों में महल बनाना कोई बुरी बात तो नहीं, मगर उसमें रह तो नहीं सकते ना। क्या वो? अरे अरे खाओ भाई, जाना है पिक्चर देखने, वो बिना कपड़े वाली। हैप्पी बर्थडे डियर संध्या, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे संध्या। हाय। अरे नेहा तुम अंदर आओ ना, वहां क्यों खड़ी हो तुम? मैं नहीं, हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ऐसा क्या गिफ्ट लाई है तू? अभी दिखाती हूँ। ताजमहल? मैंने तो समझा कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पर किताबें लाई होगी। अब ये समाधि का मैं क्या करूँ? अरे बाबा, जब देखो कंप्यूटर, बुक्स, लैब्स, एक्सपेरिमेंट्स, इसके अलावा तो और कुछ नहीं जानती। इनमें सीखने के लिए बहुत कुछ होता है नेहा। तूने प्यार के बारे में कभी सोचा संध्या? कर तो रही हूँ। क्या, किससे? तूने बताया ना, कंप्यूटर से, किताबों से। माय गॉड, गोल गोल क्यों घुमा रही हो नेहा? तुम तो कुछ पूछने आई थी ना, पूछ लो। ठीक है, मैं सीधे सीधे पूछ लेती हूँ। तुम राहुल से प्यार करती हो या नहीं? राहुल? कौन राहुल? जो 4 साल से तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा है, वो राहुल। उसका नाम राहुल है? मुझे आज ही मालूम हुआ। नेहा, अगर उसने तुझे यहाँ भेजा है ना, तो उसे जाके कहना कि मुझे अपनी माँ से प्यार है, मुझे अपने फ्यूचर से प्यार है, मुझे उस गोल्ड मेडल से प्यार है जो कंप्यूटर साइंस टॉप करने के बाद मुझे मिलेगा, मुझे उस चमक से प्यार है जो मेरी माँ की आंखों में आएगी वो गोल्ड मेडल देखकर। पर मेरे दिल में किसी और के प्यार के लिए कोई जगह है ही नहीं। राहुल में क्या बुराई है संध्या? तू उसे क्यों ना पसंद करती है? जिस तरह किसी को पसंद करने का कोई कारण नहीं होता, उसी तरह किसी को ना पसंद करने की भी कोई वजह नहीं होती। ये तो अपने अपने दिल का मामला है नेहा। और वैसे भी ये प्यार और मोहब्बत में मेरा कोई यकीन ही नहीं है। ये तो मैं उसी वक्त समझ गई थी संध्या, जब तुमने ताजमहल को समाधि कहा था। संध्या, ताजमहल इज द 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, और तेरी जैसी जवान लड़की को वो पसंद नहीं आया, ये तो 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। इस सृष्टि की हर चीज में प्यार है संध्या। तुम्हारे पैदा होने में प्यार है, तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करने में प्यार है, यही नहीं जिन किताबों को तुम पसंद करती हो उनमें भी प्यार है। आज जिस प्यार का तुम्हें एहसास नहीं हो रहा है ना, एक दिन यही प्यार तुम्हारे दिल में एहसास जरूर पैदा करेगा। वो दिन कभी नहीं आएगा नेहा। दुनिया में संध्या पहली लड़की होगी जो प्यार से बिल्कुल प्रभावित नहीं होगी। देखेंगे। क्या हुआ नेहा, तुम इतनी चुप क्यों हो? तुम संध्या के जन्मदिन पर गई थी ना, ताजमहल पसंद आया उसे? राहुल, संध्या तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। ओह गॉड, इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा बिल्डअप। अरे मैं तो हमेशा से जानता हूँ कि संध्या मुझसे प्यार नहीं करती। लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए वहां भेजा ताकि तुम संध्या से कह सको कि संध्या जी, आपने अपने जिस पुजारी को मंदिर के अंदर आने का परमिशन नहीं दिया है, वो मंदिर से नहीं जाने वाला है।
बल्कि तब तक बंद दरवाजे के बाहर बैठने वाला है जब तक देवी उसे आवाज देकर अंदर नहीं बुलाएगी। ओह शट अप राहुल, ये प्यार नहीं बीमारी है। यू आर सिक। यस आई एम सिक, मुझे प्यार की बीमारी है। राहुल, संध्या के दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, ये सोच के तुम्हें तकलीफ नहीं होती? होती है, मगर प्यार का काम होता है तकलीफ देना और दोस्त का काम होता है मदद करना। क्यों दोस्त, विल यू हेल्प मी? संध्या में ऐसा क्या है राहुल, तुम उसे इतना क्यों पसंद करते हो? जिस तरह किसी को ना पसंद करने का कोई कारण नहीं होता, उसी तरह किसी को पसंद करने की भी कोई वजह नहीं होती। ये तो अपने अपने दिल का मामला है। जिस तरह किसी को पसंद करने का कोई कारण नहीं होता, उसी तरह किसी को ना पसंद करने की भी कोई वजह नहीं होती। ये तो अपने अपने दिल का मामला है नेहा। उसे ना पसंद है, इसे पसंद है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। अच्छा तो मैं चलती हूँ। इतनी जल्दी? तुम्हारी रूठ जाने का डर नहीं होता तो आज भी मैं यहाँ नहीं आती। देर हो जाएगी तो माँ घबराएगी ना। थैंक यू फॉर द आइसक्रीम। बाय बाय। बस यहीं रुको। कम ऑन लेट्स गो। चलो। अरे राहुल तुम चलो तो मैं बताती हूँ। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? लेट्स गो, कम ऑन। तुम्हारी कसम मैं आइसक्रीम नहीं खाती, मुझे जुखाम हो जाता है। तुम खाती हो या मैं अपने हाथों से खिलाऊं? ओके बाबा ओके, मैं खाती हूँ। आज आंखों में बड़ी चमक है, कोई मस्ती सूझ रही है क्या? ये मेरी आंखों की चमक नहीं, तुम्हारी मुस्कुराहट का रिफ्लेक्शन है। बस और कुछ मत बोलना प्लीज। बोलना तो बहुत कुछ चाहता था मगर नहीं बोलता कि वक्त कम पड़ जाएगा। अब मैं चलूं? इतनी जल्दी? तुम्हारी रूठ जाने का डर नहीं होता तो मैं आती ही नहीं। हाय, मैं मर जावा, ये आकाश धरती पर कैसे गिर गया? उड़ी बम, संध्या को प्यार की बातें भी करनी आती हैं। आए? मेरे को पहले से ही मालूम था कि राहुल संध्या को पटा लेगा। अरे पहले तो ही मालूम था तो फिर बताया तूने ताला। कंग्रेचुलेशन मैन, तू जीत गया। अरे चुप रहो यार, मैंने ये बातें कभी संध्या से की ही नहीं। क्या? हाँ। अरे बाबा, अगर तूने ये बातें ती नहीं है तो फिर ये तहत में आवाज तीती है। टोनी लीवल थी। अरे ये मिमिक्री नहीं, नेहा की जादूगरी है। मैंने दोनों से अलग अलग बातें की, फिर दोनों की बातें एडिट करके इस कैसेट में मिक्स कर दी। जिस तरह से इसे सुनकर तुम लोग बेवकूफ बन गए, कल कॉलेज में इसे सुनकर सभी बेवकूफ बन जाएंगे। कॉलेज में क्या करने वाले हो? कल कॉलेज डे है, डांस प्रोग्राम में ये कैसेट भेजने लगेगा, गलती से ऑफकोर्स, मगर जब तक ये गलती ठीक होगी सब लोग दोनों की प्रेम कहानी सुन चुके होंगे। और फिर उसके बाद कॉलेज के हर कोने में, हर दीवार पर, हर ब्लैक बोर्ड पर दो ही नाम होंगे, राहुल और संध्या, संध्या और राहुल। और फिर संध्या की बदनामी हो जाएगी, फिर मजबूर होकर संध्या को राहुल के पास आना ही होगा। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं जिस नाम को अपने नाम से जोड़ना चाहता हूँ मैं उसे बदनाम नहीं कर सकता। सॉरी, हम तो अर्जुन के बाण हैं, एक बार निकले तो निशाने पर ही लगते हैं। कल पूरा कॉलेज ये कैसेट जरूर सुनेगा। नेहा प्लीज ऐसा मत करो, ये कैसेट मुझे दे दो प्लीज। बिल्कुल नहीं, नो चांस। नेहा प्लीज। अले ओ तेले तिल्ला ने ते इस तरह से तो ऑडियो लीली लुकने वाला है नहीं। तीन ले कहते हैं। नहीं 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 भाई। क्या चल रहा है, कैचिंग प्रैक्टिस? नहीं भाई, नहीं यूं ही मजाक कर रहे थे। लाहुल दलता त्याय बोल देना तैतेत में तंदिया। कुछ नहीं भाई, ये तो ऐसे ही। इस कैसेट में क्या है? शायरी है, गालिब का शायरी है। नहीं, पंकज उदास की गजल है। बैक स्ट्रीट बॉयज के भजन है। नहीं नहीं, किशोर कुमार का गाना है। हाँ? खाली है? हाँ? अच्छा, तो तुम में से कौन सच कह रहा है ये जानने के लिए मुझे कैसेट तो सुनना ही पड़ेगा। एक्सक्यूज मी भाई, भाई खाली है भाई। और वीसीआर भी
देखते हैं। तुम्हारी कसम मैं आइसक्रीम नहीं खाती, मुझे जुखाम हो जाता है। तुम खाते हो या मैं अपने हाथों से खिलाऊं? ओके बाबा ओके, मैं खाती हूँ। आज आंखों में बड़ी चमक है, कोई मस्ती सूझ रही है क्या? ये मेरी आंखों की चमक नहीं, तुम्हारी मुस्कुराहट का रिफ्लेक्शन है। बस और कुछ मत बोलना। बोलना तो बहुत कुछ चाहता था मगर नहीं बोलता कि वक्त कम पड़ जाएगा। तो ये है गालिब की शायरी। जल्दी तुम्हारी कैसेट खाली होता तो मैं आती नहीं। पंकज उदास की गजल, बैक स्ट्रीट बॉयज का भजन, किशोर कुमार का गाना। मेरा भाई पैदा होने से पहले इतना होशियार हो गया। यस, कल राहुल का बर्थडे है, 29th फेब, लीप ईयर। सबका बर्थडे एक साल में एक बार आता है, राहुल का बर्थडे 4 साल में एक बार आता है, इसलिए इन 4 सालों की खुशियों को मिलाकर एक साथ सेलिब्रेट करना है। एंजॉय कर लाइफ। आंटी क्या है जी? वो सब्जी। क्या जी? सब्जी। अरे ऊंचा बोलना, खाना नहीं खाए क्या? इसलिए तो सब्जी मांग रही हूँ। चल अंदर जा। जी। सुन जी, संध्या की पढ़ाई कैसी चल रही है? संध्या बहुत दिल लगा के पढ़ती है अंकल। इसका मतलब तू दिल लगा के नहीं पढ़ती है, दिल कहीं और लगा रखा है क्या? कोई लव वव का चक्कर है क्या तेरा? नहीं नहीं अंकल, मेरा कोई चक्कर नहीं है और संध्या का भी प्यार का चक्कर नहीं है। बिना पूछे संध्या के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रही है, क्या बात है? जी जी वो बोल बोल। जी वो बोल। संध्या ने कुछ नहीं किया, वो तो परवाह भी नहीं करती, लेकिन वो लड़का उसके पीछे पड़ा हुआ है। मेरा नाम है राज पाटिल राजा, और राजा को प्रजा धोखा नहीं दे सकती। चलो तो चल। सुन, सब्जी के साथ साथ रोटी भी ले लेना। लड़का चल चल जल्दी कर चल। अरे राहुल, तू ये कपड़े बदल के कहाँ जा रहा है यार? मैं वो संध्या से मिलने जा रहा हूँ यार। पहले केक तो काट। केक काटने में अभी भी वक्त है यार, मगर वहाँ संध्या की क्लास छूटने का टाइम हो गया होगा। मेरा बर्थडे है ना आज तो? इसलिए मैंने एक फैसला किया है, हर काम में किसी की मदद ली जा सकती है यार, मगर प्यार के मामले में किसी की मदद नहीं लेनी चाहिए यार, इसलिए मैं संध्या से खुद अपने प्यार की बात करने वाला हूँ। राहुल, कभी भाई ने पूछा? अरे तुम लोग संभाल लेना यार, दोस्त का क्या, मैं बस 1 घंटे में वापस आ रहा हूँ। चलो जल्दी करो। राहुल 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 कहाँ गया? कहाँ वो भाई अपना, वो आ रहा है बस, अभी आ रहा है। हाँ हाँ आ रहा है, मगर गया कहाँ? वो अपना वो कंप्यूटर क्लासेस को बताने गया है कि आज उसका बर्थडे है। राइट? Go and look after the guest. Yes, yes. Yeah. Come on. You too. Guest. संध्या, हाय संध्या। संध्या 1 मिनट के लिए रुको तो, ये लेटर ले लो प्लीज। संध्या प्लीज, संध्या संध्या संध्या, तुम हमेशा मुझसे दूर जाती रही, कभी ध्यान ही नहीं दिया मुझ पर। एक बार तो मेरी बात सुन ली होती तो तुम्हें पता चल जाता कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है। अभी भी देरी नहीं हुई संध्या, प्लीज ये लेटर तुम पढ़ लेना, तुम जान जाओ। राहुल पुलिस। हाँ?
भैया क्या हुआ? राहुल को पुलिस ने पकड़ लिया। डॉक्टर कमलाकर तिवारी। हाँ डॉक्टर, किस्मत वाला है, इलाज के नाम पर पति के सामने ही पत्नी का हाथ पकड़ सकता है। नब्ज पकड़े बिना इलाज भी तो नहीं कर सकता। हाँ डॉक्टर हाथ पकड़े तो इलाज, अगर हम पुलिस वाले पकड़े तो रे क्या मांगता है तेरे को? आपने मेरे भाई को गिरफ्तार किया है। क्या? 2 घंटे पहले आपने मेरे भाई राहुल को कॉलेज से अरेस्ट किया है। ए, चिल्ला क्यों रहा है? बहरा नहीं हूं मैं, किसी को अरेस्ट नहीं किया हमने। आपने अरेस्ट किया है, इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। हाँ आपने अरेस्ट किया और मैंने अपनी आंखों से देखा है। तूने देखा है? किन आंखों से देखा है? इन आंखों से? ये क्या कर रहे हैं हम इज्जत से पेश आए, आप भी इज्जत से पेश आए। तेरी क्या इज्जत करूं, बोला ना किसी को अरेस्ट नहीं किया, चल बाहर निकाल के। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि मैं लॉयर के साथ आऊं? लॉयर को क्यों, जज को लेकर आ, क्या उखाड़ लेगा मेरा? अरे चल फोट यहां से, गेट आउट। थैंक यू सर। एसीपी साहब आ रहे हैं। अरे आने दे, उसके आने से क्या हो जाता है, उसकी टोपी पर सींग लगे हैं क्या? अरे उसके पास आईपीएस है तो मेरे पास सर्विस है। ए उधर खड़ा हो। हेलो डॉक्टर, यहाँ कैसे आना हुआ, कोई केस? वो राहुल को अरेस्ट किया है। आपके भाई को अरेस्ट किया? जी। मगर क्यों? पूछा बता नहीं रहे। आइए देखते हैं। इनके भाई राहुल को अरेस्ट किया, कहाँ है वो? इधर उधर क्या देख रहे हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ राहुल कहाँ है? अंदर है सर। किस लिए अरेस्ट किया उसे? इंस्पेक्टर साहब की बेटी को लव लेटर दे रहा था सर। FIR फाइल किया? नहीं सर, जिधर उसे पकड़ा वो हमारा एरिया नहीं था सर। क्या तुम्हारा एरिया नहीं था फिर भी उसे बंद किया? रिलीज हिम। मैं तुमसे कह रहा हूं रिलीज हिम। यस सर। मामूली लव लेटर के लिए वार्निंग देकर छोड़ने की बजाय तुमने इसे क्रिमिनल की तरह मारा। इसने परेशान किया है मेरी बेटी को, इसलिए इस तरह मारोगे तुम? कल को इसे कुछ हो गया, स्टूडेंट्स ने हंगामा खड़ा कर दिया, तो क्या प्रेस्टीज रह जाएगी हमारे डिपार्टमेंट की? माफी मांगो इनसे। क्या? तुमने बहुत बड़ी गलती की है, माफी मांगो इनसे। मैं माफी मांगू? मेरा बाल भी माफी नहीं मांगेगा। क्या कर लोगे, एक्शन लोगे? ले लो। सस्पेंड करोगे? कर दो। वैसे एसीपी साहब बहुत बढ़िया एक्टिंग करते हो, ये लोग जल्दबाजी में दादा साहब फाल्के अवार्ड दिलीप कुमार को दिया, ये तो आपको मिलना चाहिए था। वैसे सच सच बताओ, इस डॉक्टर की बड़ी हिमायत कर रहे हो, क्या बात है, इससे चुपचाप किसी का अबॉर्शन करवाया क्या? तुम कभी नहीं सुधरोगे। ए डॉक्टर, खड़े खड़े अपने भाई के साथ क्या देख रहा, ले जाए इसे, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अपनी औकात में रहो इंस्पेक्टर। मेरा नाम है राज पाटिल राजा, राजा को प्रजा धोखा नहीं दे सकती। प्रकाश खाना लगा मेरा। जी सर। सॉरी डॉक्टर, ये ऐसा ही है, इसलिए इतनी सर्विस होते हुए भी इसे प्रमोशन नहीं मिला। आप राहुल को ले जाइए और इसे समझाइए कि ऐसा काम ना करे। Thank you.
कल राहुल का बर्थडे, सबका बर्थडे एक साल में एक बार आता है, राहुल का बर्थडे चार साल में एक बार आता है, इसलिए इन चार सालों की खुशियों को मिलाकर एक साथ सेलिब्रेट करना है। एंजॉय करना है, हारो एंजॉय करना है, एंजॉय करना है माय बॉय, डोंट वरी, लेट्स सेलिब्रेट माय बॉय, हैप्पी बर्थडे टू माय लिटिल ब्रदर, हैप्पी बर्थडे टू द बेस्ट ब्रदर इन द वर्ल्ड, हैप्पी बर्थडे, आई लव यू भैया, आई लव यू, कम जॉइन मी, कम कम, लेट्स कट द केक, कम केक कट, कम कट। नहीं राहुल, नहीं राहुल, कट द केक, कट द केक राहुल, कट द केक, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू राहुल। दर्द हो रहा है? नहीं भैया, लेकिन मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत। जानता है राहुल, एलोपैथी का डॉक्टर होने के बावजूद भी जब भी तू बचपन में बीमार होता था ना, तो मैं तुझे होम्योपैथी की गोलियां देता था ताकि तुझे कड़वी ना लगे। इतने प्यार से पाला है तुझे, मगर आज उसने उसने तुझे, I'm sorry राहुल। एक बात बताओ, प्यार अमृत होता है अगर सफल हुआ तो, नहीं तो, नहीं तो वही प्यार जहर बन जाता है, जान ले लेता है, और फिर उस प्यार को पाने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ता है। क्या तू दोबारा जन्म लेगा, बोल। हाँ भैया, दोबारा जन्म लिया ना तो उस जन्म में भी तू मेरा भाई बनकर आएगा। अरे उसी जन्म में ही क्यों, हर जन्म में तू मेरा भाई बनकर आएगा, मेरा छोटा भाई, प्रॉमिस कर, प्रॉमिस कर, प्रॉमिस भैया। राहुल, लव इज नॉट हार्ट ऑफ लाइफ, इट इज ओनली पार्ट ऑफ लाइफ। आई एम नॉट लेक्चरिंग यू मैन, एज अ फ्रेंड, दोस्त की तरह बोल रहा हूं। अब तू भी मुझे दोस्त की तरह बता, उस लड़की से कब मोहब्बत हुई तुझे, पहली बार तू उसे कहां मिला, कब मिला? आपको याद है, चार साल पहले मुझे जॉन्डिस हुआ था और आप डॉक्टर होते हुए भी बहुत परेशान हो गए थे। आपने भगवान से प्रार्थना की थी और मन्नत भी मांगी थी कि अगर मैं अच्छा हो जाऊं तो आप मेरे वजन के बराबर फल दान करेंगे, आपको याद है? और मैं अच्छा हो गया, मैं मंदिर में तौला जा रहा था जब मैंने उसे पहली बार देखा। क्या पंडित जी, खत्म?